प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल बैठक करते हुए ड्रोन के जरिए केदारनाथ में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मुख्य सचिव एसएस संधु, पर्यटन सलाहकार भास्कर खुलबे समेत पर्यटन सचिव कुर्बे भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर भी चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केदारनाथ में बीते 10 गुना ज्यादा गति से काम हो रहे हैं, जबकि यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्य दिसंबर 2023 तक पूरे कर लिए जाएंगे। केदारपुरी में चल रहे कार्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संतुष्टि जाहिर की है। प्रधानमंत्री जी समय समय पर केदारनाथ जी का तो पहले से ही जो है वो चाहे वर्चुअल हो चाहे ड्रोन के माध्यम से लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं, और आज केदारनाथ जी के साथ साथ बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान पर काम हो रहा है उस मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई, और हम लोगों ने यहाँ से चूंकि जो समय सीमा तय की गई है उसमें तेज़ी से काम हो रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण से जो काम करने में एक चुनौती बन गई थी कि ज़्यादा भीड़ होने के कारण से कार्य प्रभावित न हो, लेकिन इस बार कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। इस बार गत वर्षों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है, और लगातार बर्फ के समय में भी काम कर रहे हैं, और जो इसका हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि दिसंबर 2023 तक संपूर्ण कार्य पूरे कर लिए जाएँ, हम उस दिशा में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदीप का सीधे रुख करेंगे। सुदीप, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है केदारनाथ में, जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी संतुष्टि जाहिर की है, ये बात पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। खास तौर पर अब क्या तैयारियां चल रही हैं वहां? देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ, बाबा केदारनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2013 में आई आपदा के बाद से ही वो इस क्षेत्र में आए थे भ्रमण पर। हालांकि उस वक्त राजनीतिक कारणों से उन्हें जाने नहीं दिया गया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने केदारनाथ धाम में आई आपदा को अपनी शीर्ष प्राथमिकता में रखा। यही वजह है कि केदारपुरी अब सज रही है, संवर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ी जानकारी दी है कि दिसंबर 2023 यानी अगले वर्ष 2023 जो वर्ष होगा उसमें दिसंबर तक सभी कामकाज पूरे कर लिए जाएंगे, और अब केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ जी के पुनर्निर्माण की तैयारी है, जिसके मास्टर प्लान पर भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की है। मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव तो मौजूद ही थे, साथ ही भास्कर खुलबे जो प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र नौकरशाह रहे हैं और अब उत्तराखंड में पर्यटन सलाहकार बनाए गए हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। दो दिन पहले भास्कर खुलबे अपनी टीम के साथ निरीक्षण भी करके केदारपुरी का आए थे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री को विस्तृत जानकारी दी है। दरअसल भारत सरकार ये चाहती है कि जो केदारनाथ का जो धाम है उसके आसपास के क्षेत्र को कुछ इस प्रकार से डेवलप किया जाए जहां यात्रियों को सारी सुख सुविधाएं मिले तो एक सुरक्षित माहौल हो, क्योंकि 2013 के बाद जो आपदा आई उसने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। अब हम दिल्ली से देहरादून नए एक्सप्रेसवे से आएंगे जो अगले वर्ष बनकर तैयार होने की उम्मीद है, और पहाड़ों में चारधाम हाईवे योजना का काम तेजी से चल रहा है। तो भारत सरकार ने राज्य सरकार को समय समय पर यह बताया है कि टूरिस्ट का फ्लो ज्यादा होगा क्योंकि अब सड़कें चौड़ी होंगी, मार्ग अच्छे होंगे, लिहाजा अधिक यात्रियों के हिसाब से भी ठहरने आदि की व्यवस्था को पुख्ता करना होगा, उनके जरूरी इंतजामों को पूरा करना होगा। लिहाजा केदारपुरी और बद्रीनाथ जी में प्रधानमंत्री का मतलब दो तीन मुख्य पहलुओं पर काम चल रहा है, एक पर्यटन पर समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं, एक पर्यटन पर, दूसरा ये मैसेज भी दिया जा रहा है लगातार कि दोनों के बीच यानी केंद्र और प्रदेश की सरकार के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है, तीसरा ये कि उत्तराखंड में जो माइग्रेंट्स रहते हैं, ये माइग्रेशन जो बहुत ज़्यादा रहता है, जो वहाँ के लोग माइग्रेंट हो जाते हैं दूसरे शहरों में जाकर, ये माइग्रेशन रुक जाए इसके लिए रोजगार के अवसर भी इसी पर्यटन के जरिए पैदा किए जा रहे हैं। मतलब तीन मुख्य तौर पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जी पूजा, देखिए ये बात सही है, चार धाम यात्रा जो है वो पहाड़ की आर्थिकी भी है, 6 माह यात्रा चलती है, यात्रा ने बीते वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 35 लाख से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। कोविड के लॉकडाउन से पहले इनकी संख्या 30 लाख के करीब थी और यात्रा अब और पीक पर आ रही है। हालांकि बारिश का स्पेल बार बार आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को रोकना पड़ा, इनकी संख्या 2000 से ज्यादा थी। यही स्थिति बद्रीनाथ जी में हुई। अब अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से जब मौसम खुलेगा और दीपावली के बाद जब ये कपाट बंद होंगे उस वक्त भी श्रद्धालुओं का फोकस बढ़ेगा। राज्य सरकार अब यह भी फोकस कर रही है कि शीतकालीन पर्यटन को हम कैसे चलाएं, इसमें औली जो कि
उत्तराखंड में स्विट्जरलैंड कहा जाता है, देश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। औली को डेवलप करने के लिए रोपवे और दूसरी स्कीम्स पर भी सरकार काम कर रही है। सरकार शीतकाल के लिए पिथौरागढ़ और उसके आसपास की वैली को डेवलप करना चाहती है, जहां ट्यूलिप गार्डन बनकर तैयार हुआ है, जो कि कश्मीर को भी मात देता है। तो राज्य सरकार के साथ ही श्रद्धालुओं की भी आस्था है, तीर्थाटन की भी आस्था है, और पर्यटक टूरिस्ट जो नेचर को देखने या एडवेंचर टूरिज्म को करने आते हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। सरकार रेवेन्यू भी जनरेट करना चाहती है और इसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी देना चाहती है। सुदीप, वापस लौटते हैं आपके पास बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। देखिए, वाकई जैसा लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि फिलहाल जो मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार है वो कई मामलों पर काम कर रही है, कई मुद्दों पर काम कर रही है, और सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, ताकि पर्यटन के जरिए वहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार के अवसर पैदा हों, और दूसरा ये कि उत्तराखंड को और ज़्यादा तवज्जो जो पर्यटक हैं वो दें जब घूमने की बारी आए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। साल 2015-16 से ही अलग अलग माध्यमों से नकल की शिकायतें मिल रही थी। राज्य सरकार ने यह तय किया है कि यूकेएससी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा और विपक्षी पार्टियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा भी मिल गया। अब पुष्कर सिंह धामी ने सभी को एकटुक जवाब दिया है कि इस तरीके की कोई भी धांधलेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस मामले में भी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आरोपियों पर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो पूरी सख्ती के साथ की जा रही है और चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और जो जाँच की कार्रवाई है वो लगातार गतिमान है। वो मैंने पहले ही कहा है कि जब तक, क्योंकि इस जांच में अंतिम व्यक्ति नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक ये जांच चलेगी। 2014-15 से लेकर लगातार उसमें घपले, घोटाले और प्रश्न पत्र आउट होना, नकल कराना, पेन ड्राइव पर नकल होना, ये सब काम चलता रहा है। और जब अभी इधर कुछ छात्रों ने, कुछ बेरोजगार के छात्रों ने मुझे जैसे ही अवगत कराया तो हमने कुछ मतलब ये प्रयास किया है कि जो लंबे समय से चल रहा है उसको रुकना चाहिए, और वो रुका है। अभी तक 41 लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। सुदीप, यूकेएसएससी मामले में मचे बवाल के बाद में अब पुष्कर सिंह धामी इस मामले को खत्म करना चाहते हैं और बार बार दोहरा रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे बख्शा नहीं जाएगा। जी देखिए, कल न्यूज वन इंडिया ने ही एक बड़ी खबर दिखाई थी, डीजीपी की हमने एक बाइट दिखाई थी। मेरा यही सवाल था डीजी से कि यूकेएसएससी पेपर लीक में अब जांच किस ओर है, तो डीजीपी ने साफ कहा था कि अब अबाउट टू क्लोज है, यानी अंतिम व्यक्ति तक करीब करीब एसटीएफ पहुंच चुकी है और उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, हालांकि विवेचना जारी है। आज मुख्यमंत्री ने भी साफ किया है कि कोई भी व्यक्ति यदि बचता है तो उसे बख्शा, कोई भी व्यक्ति यदि दोषी है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कल हमारी खबर को अन्य चैनल्स ने भी फॉलो किया, अखबारों ने भी इसे लीड पर लिया है कि यूकेएसएससी पेपर लीक में, देखिए समझने की आवश्यकता है कि जो हाकम सिंह है उत्तरकाशी का माफिया, ये एक सामान्य सा कुक होता था, एक अफसर के माध्यम से उसने पेपर भर्तियों में घपले करके रिजॉर्ट तक खड़ा कर लिया और एक बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा एक अपना नेटवर्क बनाया। इसके अलावा लखनऊ का सादिक मूसा जो 2015-16 से इस घपले में इन्वॉल्व है, इसके अलावा कुमाऊं के मनराल जिनके स्टोन क्रेशर और बड़े काम काज हैं, उनके ये तीनों चार लोगों का एक बड़ा नेटवर्क था जिन्होंने यूकेएसएससी को एक प्रकार से कहें तो कब्जे में ले रखा था। कुछ भी होता था बिना इनकी मंजूरी के नहीं होता था, हर पेपर में इनकी सेंध मारी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही इस व्यवस्था, इस पूरे प्रकरण को लीड लिया जब बेरोजगार संघ ने उन्हें ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री ने सीधे डीजीपी को आदेश दिया था कि एसटीएफ से जांच कराएं। एसटीएफ ने तीसरे दिन ही 6 लोगों को पकड़ते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब तक 42 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और 18 के खिलाफ चार्जशीट जा चुकी है, अन्य 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो रही है जो कोर्ट में जाएगी। सरकार दो चीजें पर फोकस कर रही है, पहला जो बेरोजगार इन परीक्षाओं के विवाद में रह गए, परीक्षा देने में उन्हें देर हो रही है, उनकी परीक्षा समय से हो इसलिए लोक सेवा आयोग ने पहला अपना कैलेंडर जारी कर दिया है जिसके तहत करीब 4000 अभ्यर्थियों को मौका मिलने जा रहा है। दूसरा, सरकार जो यूकेएसएससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है जहां समूह गांव और घा की परीक्षाएं होती हैं, उसको वेल प्रूफ बनाना चाहता है कि यहां भविष्य में भी कोई इसके माध्यम से परीक्षा हो तो वहां कोई भी लीक पॉइंट ना रहे, कोई लूप होल ना छूटे, किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ ना होने पाए। सरकार के लिए चैलेंजिंग जॉब तो था, पर सरकार को थोड़ा वक्त भी लगा, पर सरकार ने इसे एक बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हुए युवाओं में एक संदेश भी दिया
और अब जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो होने जा रही हैं, कैलेंडर जारी हो चुका है। बहुत शुक्रिया सुदीप आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य में आई आपदा और पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर चर्चा हुई है। पुलिस के नए भवन निर्माण में भी केंद्र सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से उत्तराखंड में आपदा शोध केंद्र निर्माण करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में फेरबदल या विस्तार जैसी कोई भी बात अमित शाह के साथ होने की चर्चाओं से इनकार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विषय पर कोई बातचीत नहीं की गई है। दरअसल दिल्ली में पहुंचे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर वो कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण, पुलिस आधुनिकीकरण पर हमारी चर्चा हुई है, लेकिन किसी भी तरीके के फेरबदल को लेकर कोई बातचीत इस दौरान नहीं हुई है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किए गए जो कार्य हैं उसकी जानकारी दी गई, यानी जो भी अब यहाँ पर काम चल रहा है सरकार में वो जानकारी दी गई है। कैबिनेट में फेरबदल या फिर विस्तार जैसी कोई चर्चा उनके साथ नहीं हुई है। पुलिस के जो हमारे यहाँ पर थाने हैं, चौकियाँ हैं, उनको काफ़ी पुरानी हो गई हैं। बहुत सारी जगह पर लगातार केंद्र के सहयोग से पहले से पैसा आता था, उसमें कुछ कमी भी हुई है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि चूँकि पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए हमको कुछ सहायता की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जो आपदा का है, आपदा में जहाँ देहरादून और इस बार टिहरी जिले में, इसके आसपास और धारचूला में काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके संबंध में मैंने उनसे अवगत कराया है। और उनको अभी अभी मंत्रिमंडल के बारे में बात नहीं हुई है, अभी आपदा के बारे में और जो हमारा पुलिस मॉडर्नाइजेशन है और किसाऊ डैम जो बनना है उसके संबंध में चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में वो पहले दिन से गंभीर हैं। खुद ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए मामले में जांच कराने को उन्होंने कहा था। अब विधानसभा में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही विधानसभा अध्यक्ष को फैसला करना है। उसमें चूंकि जैसे ही ये मालूम चला कि विधानसभा की भर्तियों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे ही प्रकरण सामने आया तो हमने तत्काल विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आप इस पर जांच करवाइए, और जांच करवाने के बाद दोषी जो पाए जाते हैं या जो गलत नियुक्तियां हैं, अवैध तरीके से हुई हैं, उन सबको निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तो अपना मंतव्य पहले उनको दे चुका हूँ और इस दिशा में काम भी हो रहा है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश भर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ नदी नालों के किनारे और पर्वतीय क्षेत्रों जैसे संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा पर्वतीय इलाकों में आकाशीय बिजली के साथ ही तेज बारिश की संभावना भी है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने अपने एक हफ्ते तक कुमाऊं मंडल में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई है। राज्य में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट अगले चार दिनों के लिए जारी किया है। और आप देख सकते हैं इस वक्त देहरादून में कल दोपहर के बाद से ही रुक रुक कर मध्यम और भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इस भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कुमाऊं मंडल के ऊंचाई वाले जिलों में भारी बारिश का अधिक असर दिखेगा, जबकि गढ़वाल के पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार में और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिलों में भारी बारिश का असर दिख सकता है। मौसम विभाग ने 21 तारीख से अगले चार दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम यूं तो जब बीते दिनों साफ हुआ तो चार धाम यात्रा में भी इजाफा हुआ, लेकिन पहाड़ों में अब भारी बारिश होने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने लगे हैं। हेली सर्विसेज पर असर पड़ा है, जिससे चार धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी देहरादून व आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे से पहले मौसम साफ होने के आसार नहीं है, और ऊंचाई वाले या पहाड़ जा रहे लोगों को सावधानी बरतने की, मौसम विभाग के अलर्ट को देखने की और स्थानीय जिला प्रशासन से जारी सूचना को भी मानने की आवश्यकता होगी, ताकि वो कहीं रास्ते में फंस न जाए। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में बुधवार दोपहर से बारिश का सिलसिला जारी, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। मौसम के बदले मिजाज का जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 21 तारीख सितंबर की हो गई है, तो अगर अभी 21 से लेके 25 तक के लिए देखें तो इसमें जो प्रदेश में
अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश जो है, जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें अगर बात करें तो ये जो है जो बारिश की एक्टिविटी हुई अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश हुआ भी अगले 5 दिन चलती रहेगी। इसके साथ अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें उत्तराखंड के, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश वहाँ पर भी मिलेगी। जहाँ तक भारी बारिश का सवाल है तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा कुमाऊँ क्षेत्र है उसके जो पहाड़ी जनपदों में एकाधुका स्थानों में, खासकर आपका बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में संभावना कि एकाधुका जगहों में अगले 3-4 दिन में जो है आप देखें कहीं कहीं पर हैवी रेन्स उनमें मिलने की संभावना। बुधवार से लगातार हो रही बारिश से राजधानी के चंद्रबनी चयोला क्षेत्र की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें राजधानी देहरादून के चंद्रबनी चयोला की है, जहां पर आप देख सकते हैं पानी किस कदर सड़कों पर तेजी से बह रहा है, मानो ये सड़कें नहीं बल्कि कोई समंदर या दरिया हो। अभी मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक इस बारिश से राहत की कोई गुंजाइश नहीं बताई है, जिससे आने वाले दिनों को लेकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। ज़रा देखिए कि कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर पानी की ये लहरें उफान भरती नज़र आ रही हैं, और रिहायशी इलाका है लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। और आगे आने वाले दिनों में बारिश क्योंकि थमने वाली नहीं है, ऐसे में इन लोगों को राहत की कोई उम्मीद भी नहीं। हरिद्वार में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में जहां सड़कें पूरी तरह तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बरसात के चलते अब मैदानी इलाकों में भी गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान विकास कार्यों की प्रगति और प्रस्तावित योजनाओं पर कार्रवाई सहित जनता से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने जनपद स्तरीय और समस्त विभाग के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने जनहित की विकास परियोजनाओं में हो रही लेट लतीफी को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की और विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। स्पीकर ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। डिपार्टमेंट्स का, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, जल संस्थान हो, कृषि हो, हॉर्टिकल्चर हो, सारे वेटनरी हो, उनका रिव्यू किया और जो भी समस्याएं पिछले 2-3 महीने में, क्योंकि ये बैठक एक बार पहले भी मैं कर चुकी हूँ, 2-3 महीने में जो चीज़ें मेरे समक्ष आई हैं या जो मैंने देखी हैं, उन बारे में अफसरों के साथ बातचीत हुई है, किस तरह से प्रोग्रेस हुई है, क्या कितनी सड़कें बनी हैं, पानी की क्या स्थिति है, क्यों हमारे सैंक्शंस नहीं हो पा रही चीज़ें, तो इन सब जिला योजना में क्या आया है, खनज में, खनन न्यास में हमें क्या मिल सकता है, तो इस तरह की जो बैठक हुई है उसकी आज हमने यहाँ पर बैठक ली है और मैं आशा करती हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी। और अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टमटा ने अल्मोड़ा विकास भवन में जिले में स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में खास तौर पर स्वास्थ्य सेक्टर पर उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, महिला चिकित्सालय और बेस चिकित्सालय में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता पखवाड़े के तहत लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किया जाए। अजय टमटा ने अधिकारियों से कहा कि रोगियों के उपचार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, मरीजों को यहाँ से बाहर उपचार हेतु जबरन रेफर ना करें। मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल और महिला हॉस्पिटल, इन तीनों के लिए मैंने बोला है कि जो स्वच्छता अभियान भारत सरकार के माध्यम से चल रहा है उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग करिए, और जो कचरा हॉस्पिटल से निकलता है उसको कैसे हम डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्लानिंग करिए, जो अभी तक कर रहे हैं ये लोग, उससे बड़ी अब प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हमारे पास ज़्यादा वेस्ट आएगा और उससे कोई समस्या उत्पन्न ना हो, और स्वच्छता पखवाड़े के माध्यम से हम इसको भी एक लक्ष्य को निर्धारित करें। यहाँ जो सर्जरी और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल कॉलेज का बनना है, उस मेडिकल कॉलेज के साथ सारे लोगों की एक क्लस्टर बना करके कि यहाँ से रेफर केस ना हो। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, नमस्कार।